हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स ऑफ असेंबली ड्राइंग का पार्ट 3 इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे बिडल जॉइंट के बारे में, और बिडल जॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कॉर्नर बिडल जॉइंट और टी बिडल जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉर्नर बिडल जॉइंट की डिटेल्स किस प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इस प्रकार से इसकी डिटेल है। पार्ट 1 है ये और ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 को हमें पार्ट 1 में इंसर्ट करना है, जिससे एक टाइट जॉइंट हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्ट 1 है इसकी डिटेल्स को बनाएंगे असेंबली बनाने के लिए। सबसे पहले हम पार्ट 1 को बनाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें लेंथ जो है वो 25 है, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये क्या है, हमारी हाइट है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे 25 जो है इसकी लेंथ को काट लेंगे, 30 mm इसकी यहाँ पर विड्थ काट लेंगे, और इसकी ऊंचाई देखिए 30 है। इस प्रकार से हम इसको और आगे बनाते हैं। देखिए, तो देखिए इस प्रकार हमने इतना इसका पार्ट बना लिया। अब ये देखिए, ये पार्ट हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, ये देखें, यहाँ से आप इस प्रकार चलेंगे ऐसे, इस प्रकार से ये देखें ऐसे, और जो इसकी हाइट यहाँ पे गिवन है 20, फिर यहाँ से आप 20 जाएंगे, देखिए 20 जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर भी इस प्रकार से आप जाएंगे, और इसको इस प्रकार मिला लें, देखें इस प्रकार से आप इसको मिला लीजिए। और ये देखिए, ये मिड पार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना आते ही है, इन सभी पॉइंट्स को आप जोड़ लीजिए। देखिए देखें ऐसे, इस प्रकार से क्या करेंगे आप, इसका फर्स्ट पार्ट की डिटेल्स को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ देखिए, इस प्रकार ये बनेगा हमारे पास, ये देखिए इस प्रकार ये हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पार्ट 2 है इसको इंसर्ट करेंगे, यानी जो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आएगा, जो ये गैप है यहाँ पर, इस जगह ये पार्ट आएगा। तो अब इस पार्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए सबसे पहले ये देखें, इस प्रकार से हम इसको लगाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि जॉइंट यहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर आएगा ये जॉइंट हमारे पास। इस प्रकार से इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे ये जॉइंट इस प्रकार, ये देखें इस प्रकार हम इसे जोड़ लीजिए, इसे ऐसे हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। और क्या करेंगे, जितनी इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है कि ये कितना पीछे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कितनी भी आप लेंथ ले लीजिए, ये देखें इस प्रकार, इस प्रकार से, और क्या करें, इसको इस प्रकार जोड़ लें ऐसे, इसके पैरेलल हाइट के, ये देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें इरेज़ कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी उनको इरेज़ कर दिया, और ये हमें इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ पे वुडन सिंबल से दिखा दीजिए, ये देखिए ये वुडन सिंबल हमें यहाँ पर आगे दिखेगा इस प्रकार से, ये हमें यहाँ पर आगे दिखेंगे, और ये जो हमें ऊपर से दिखेगा टॉप से, ये पार्ट हमको यहाँ पर वुडन जॉइंट का दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा, ये देखिए इस प्रकार से हमें दिखेगा, देखिए इस प्रकार से हमें दिखेगा। तो अब आप देखें, इसमें आप इसको डायमेंशंस को दे सकते हैं, ये 25 है, ये 30 है, यहाँ तक ये 30 है, फिर ये 20 है, यहाँ पर आप इसको डायमेंशन दे दीजिए। अब यहाँ पर आपने इसमें डायमेंशंस को भी दिखा दिया है कि जो इसकी लेंथ है वो 25 थी, इसकी ये 30 है विड्थ, और इसकी हाइट जोड़ने के बाद 30 प्लस ये जो 20 इसमें ऐड हुआ है, हमें इसका यह हमारा इसका असेंबली हो गई है यहाँ पे। डिटेल्स की हमने यहाँ पर असेंबली तैयार कर दी है बिडल जॉइंट में, और ये जॉइंट हमारा कहलाता है कॉर्नर बिडल जॉइंट, कॉर्नर बिडल जॉइंट कहलाता है। अब हम इसके बाद जो सेकंड जॉइंट है वो है टी बिडल जॉइंट, वो है टी बिडल जॉइंट। अब आप देखिए ये हमारे पास है टी बिडल जॉइंट, इसके भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको भी हमें जॉइंट करना है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आप टी बिडल जॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आप आइसोमेट्रिक व्यू में 30-30 के एंगल पर लेंथ और इसकी विड्थ बनाते हैं, देखिए 30 एंड 30, यहाँ पर भी एंगल ले लिया है अपने इस प्रकार से, यहाँ पर आप 25 mm लेंगे, और इस पर आप कितना लेंगे, 30 mm लेंगे, इस पर आप 30 mm लेंगे, और जो इसकी ये हाइट है ये कितनी है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हम 20 जाएंगे राइट एट द राइट एंगल पर इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर भी हम 25 को काटेंगे, इस प्रकार हमने काट दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देंगे इस प्रकार से, ऐसे बॉक्स बना देंगे इस प्रकार, देखिए हमने बॉक्स बना दिया यहाँ पे, इसी प्रकार हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 30 mm, 30 है ये, 30 तक क्या करेंगे जाएंगे इस प्रकार से, ऐसे हम
हमने बना लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसके मिड में इसकी डिस्टेंस भी गिवन है 15, तो यहाँ पे 15 हम लेकर 30 mm तक जाएंगे हाइट में। ये हमने यहाँ पर इसका जो हमारे पास पार्ट वन है इसकी डिटेल्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एज इट इज़, जैसे हमें यहाँ पर गिवन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पार्ट सेकंड है इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है ये जो पार्ट है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमें शो होगा इस प्रकार से, ये हमें दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर हमें ये पार्ट शो होगा, और इस प्रकार से पीछे इसकी लेंथ हमें गिवन है 60, यानी 60 हम लोग पीछे जाएंगे यहाँ से इस प्रकार, और इसको इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए ऐसे जोड़ लेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पे जाएंगे, इस प्रकार से ये जुड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारे पास जुड़ेगा। ये देखिए अब हम इसको रफ़ करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें क्या पार्ट फ्रंट से दिख रहा है, क्या आपको इसे फ्रंट से देखने पर आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं। इरेज करने के बाद आप देखेंगे कि हमें इसके फ्रंट से जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यह हमें फ्रंट से नज़र आएगा, यह हमें फ्रंट से व्यू होगा। तो अब आप देखिए ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकेंड हमने जोड़ दिया। अब आप इसको ईजिली डायमेंशन दे सकते हैं, जो इसकी डायमेंशन है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये देखिए आप कि हमने यहाँ पर इसको डायमेंशन भी दे दी हैं, तो इसके साथ हमारे यहाँ पर टी ब्रिडल जॉइंट बन गया है। टी ब्रिडल जॉइंट का मतलब है इन दो जॉइंट्स से एक टाइट जॉइंट बनाना, बिल्कुल इनसे एक टाइट जॉइंट बनाना, और इनकी असेंबली हमने यहाँ पर तैयार की है कि डिटेल से हम इसको असेंबल कैसे कर रहे हैं। तो आज हमने दो ब्रिडल जॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट और टी ब्रिडल जॉइंट के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्रो मोटिस एंड टेनन जॉइंट के बारे में, और जानेंगे हम कॉक्ड जॉइंट के बारे में। इन दो जॉइंट के बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।